हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम होली पब्लिक जूनियर हाई स्कूल मैनपुरी। टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 7th, चैप्टर फर्स्ट, टॉपिक द स्कॉलर। द स्कॉलर इज अ पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट साउथी। रॉबर्ट साउथी वॉज बोर्न इन 1774 एट बिस्ट्रल। ही वॉज अ गुड राइटर एज वेल एज पोएट। ही डाइड इन 1843। Before we start the poem, I want to tell you, whenever you see the video, you put your book with you. With the help of book, you read the poem. Okay? Now we will start our poem, The Scholar. My days among the dead are past. Around me I behold, where these casual eyes are cast, the mighty minds of old. My never falling friends are they, with whom I converse day by day. In these lines the poet tells us that he has many books. उसके पास बहुत सी किताबें हैं उन राइटर्स की जिनकी डेथ हो चुकी है। उसका रूम बुक्स से भरा हुआ है। वह जहां भी देखता है उसको केवल बुक्स दिखाई देती हैं। They are the most sincere and faithful friends. उसका मानना है कि जो बुक्स हैं वो sincere और faithful friends हैं। Books do not change like pupils. उसकी इतनी गुड फ्रेंड्स बुक्स उसकी इतनी अच्छी फ्रेंड्स हैं, इतनी अच्छी गुड फ्रेंड्स हैं कि वह बातें करता है एवरी डे बुक्स से। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेंजा। विथ देम आई टेक डिलाइट इन वील एंड सीक रिलीफ इन वो, एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील हाउ मच टू देम आई वो। माई चीक्स हैव ऑफन बीन विडोड विथ टीयर्स ऑफ thoughtful gratitude. In this stanza the poet tells us कि जब भी जो पोइट है वो खुशी का अनुभव करता है तो जो बुक्स है उसकी हेल्प करती है सुखद अनुभव में। ओके, और जब वो पोइट दुखी होता है तो उन बुक्स को पढ़ के रिलीफ महसूस करता है। पोइट उसको सॉरी बुक्स उसको सांत्वना प्रदान करती हैं। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और वो उनको महसूस करता है और समझता है कि हाउ मच टू देम आई ओवे, कि वह उन बुक्स का कितना आभारी है जो बुक्स उसकी सुख और दुख में हेल्प करती हैं। माई चीक्स हैव ओपन वी विडोड विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड। जब वो ये विचार करता है कि बुक्स किस तरीके से उसकी हेल्प कर रही हैं, वो उनको आभारी है, तब उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, और जो आंखों से आंसू निकलते हैं वो उसके चीक्स को भिगो देते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा। माई थॉट्स आर विद द डेड, विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर। उसके जो विचार हैं वो डेड राइटर्स के और ऑथर्स के साथ में हैं, और वह उन्हीं के साथ पास्ट में जीवित है, जीव अभी भी रह रहा है। देयर वर्च्यूज लव, वह उनके गुणों में और प्रेम में खुद को महसूस करता है। देयर फॉल्ट कंडेम्ड, जब फॉल्ट होता है तो उसको वो फॉल्ट भी महसूस करता है। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर, जब उसको आशा प्रतीत होती है या वह लगता है तो वो अपने आप को महसूस करता है। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड। वह इसमें खोजता है, प्राप्त करता है, इनसे एक शिक्षा को खोजता है और प्राप्त करता है, और उसको बड़े ही हम्बल माइंड से इंस्ट्रक्ट करता है। ओके, माई होप आर विद द डेड एनोन, उसकी जो आशा है वो डेड व्यक्तियों के समान है। माई प्लेस विद देम विल बी एंड आई विद देम स्टार्ट ट्रेवल ऑन दो ऑल फ्यूचरनिटी येट लिविंग हियर आर नेम आई ट्रस्ट दैट विल नॉट पेरिस इन द डस्ट। पोइट का मानना है, पोइट कहता है कि उसकी चाह है, इच्छा है कि वह सदैव उन लेखकों की तरह जीवित रहे जैसे कि वो अभी भी बुक्स पढ़ रहा है और उनमें वो जीवित हैं। माय प्लेस विद देम विल बी, उसका भी मानना है कि जब उसकी डेथ हो जाएगी, एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन, जब वह उनके साथ ट्रेवल करेगा दो ऑल फ्यूचरनिटी, तब उसको भविष्य में याद किया जाएगा। या लिविंग यह आ नेम आई ट्रस्ट, उसका विश्वास है कि वह यहाँ नेम छोड़ कर जाएगा अपना। डेट विल नॉट पेरिस इन द डस्ट, कि उसका जो नाम है वो
वो नष्ट नहीं होगा, लोग उसको याद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रीड दिस पोएम। थैंक यू।